विकास नगर के अंतर्गत थाना सहसपुर क्षेत्र के सभावाला क्षेत्र में तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग और महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और मुंह बंद कर लूटपाट करने की कोशिश की। साथ ही बीच बचाव को आई एक महिला को भी नकाबपोश बदमाशों ने बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, जिसके चलते बदमाश अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके और लोगों को आता देखकर फरार हो गए। वहीं इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नकाबपोश बदमाश घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। टहल रहा था सुबह 5:15 बजे और उसी समय है ना यहाँ से इधर से और यहाँ इस जगह था मैं और एकदम मुझे जो ना वो कर लिया, मतलब एकदम गिराया। किस तरह से मेरे सिर में हाथ चोट भी है, गिरा के उन्होंने मेरे जो ना हाथ पैर बांधे, मुंह बांध दिए ऐसे करके। उसके बाद कहते हैं कि जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ थोड़ी है और मैं घर में कुछ रखता भी नहीं हूँ। तो कहता तक ठीक है अंदर चलो। फिर मुझे ये घसीट के जो ना उधर जबकि दरवाज़ा यहाँ था उधर ले गए बड़ी तरफ, उस दरवाजे से मुझे जो ना इतने वाइट यहाँ उठी। ये सहसपुर थाने के सवाला चौकी क्षेत्र का मामला है। एक शमशेर सिंह जी जो कि रिटायर्ड रेलवे के कर्मचारी अपने आंगन में सुबह टहल लेते, ये करीबन घटना 5:15 की होगी। तो तीन अज्ञात युवक उनके आंगन में आते हैं और उनको देखे उनको कब्जा कर लेते हैं और उनके हाथ पैर बांध देते हैं तथा उनसे कहते हैं कि उनको घर की तरफ को ले जाके लूट, कहते हैं कि जो भी है वो सामान ला के दो। तो इतने में इनकी पत्नी उठ जाती है और उनके द्वारा शोर मचाने पर और वहाँ पे वो अपना कुत्ता भी छोड़ देती है, तो वो तीनों युवक भाग जाते हैं। तो घटना मतलब लूट का प्रयास किया गया है, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और हमारे द्वारा तीन टीमों को गठन कर दिया गया है और उनकी सरगर्मियों से तलाश की जा रही है।